चलो अब नहीं लेगा। देखो 138 क्वेश्चन, प्रिंसिपल दे रखा है 12,000, अब तो नहीं ले रहा ना, प्रिंसिपल 12,000, रेट 20%, टाइम 4 साल। चार क्वेश्चन के बाद हम SI पढ़ेंगे, तब तक आप इस क्वेश्चन में CI बता दो कितना होगा। CI कितना होगा, कितना होगा, क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, अमाउंट बता दो, मिसर धन CI छोड़ो। और CI कितना आया था, नहीं 83 पॉइंट दिखा रहा ऑप्शन में, चलो चेक कर लेते हैं। देखो 12,000 है, इसका 20% कितना होगा, 2400। फिर इस 2400 का 20% कितना होगा, कितना होगा 480। फिर 480 का 20% कितना होगा, फिर 96 का 20% कितना होगा, 5 से करेंगे कितना हो जाएगा, 20% है मतलब 1/5, 5 से करेंगे 18, 19.20 होगा, नहीं होगा। ये अब मैंने रेशियो बताया था 4 साल के लिए, 4-6-4-1 कैसे बताया था फिर बता रहा हूँ, अगर 1 साल की बात हो तो 1, 2 साल की बात हो तो CI का रेशियो होता है 1 तो लिखना है 2 पहले, 3 साल की बात हो तो शुरू में 3 लिखना है, लास्ट का 1 और 1 और 2, 4 साल की बात हो शुरू में 4 लिखना है, देखो लास्ट में 1, 1 और 3, 3 और 3 6, मैंने रेशियो बताया था। तो पहले वाले को 4 से गुणा कितना, दूसरे वाले को 6 से गुणा कितना, 0, 6 8 48, 6 24 और 4 28। तीसरे वाले को कितना, 4 से गुणा, 4 6 24, 4 9 36 और 2 38, और इसको 1 से गुणा करने की जरूरत नहीं, 19.20 ऐड कर देंगे, देखो 0.20, 4 और 9 13, 1 8 9 8 17, 17 और 1 18, 1 और 3 4, 8 12 और 6 18, उसके बाद 2 और 9 11 और 1, तो CI हमारे पास आ गया 12,883.20। अमाउंट पूछे तो इसमें 12,000 और जोड़ दें, क्लियर है, तो CI कितना देगा 12,883.20, अमाउंट पूछे तो ये चीज़ और जोड़ देंगे, क्लियर है। लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, एक टाइप और रह गया है CI का, उसको भी आराम से देखते हैं, और अब आपको CET ही पास करना ज़रूरी हो गया है, तो अब CET भी पढ़ना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर से लागू हो जाएगा, अब जो आपने फॉर्म भर दिया वो भर दिया। बेटा तू थोड़ा चेहरा पीछे कर ले, ना लग तेरी पूरी गर्दन आ रही उसमें। मिटा दें
रेशियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ क्वेश्चन, मैंने ऐसे बीच में डाल दिया था। नेक्स्ट लिखे 139 क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। 139 कह रहे हैं द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स टू डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू इयर्स इज 34:11 फाइंड द रेट परसेंट पर एनम 11 फाइंड द रेट परसेंट पर एनम। आप उधर कर लो ना थोड़ी, इसको निकाल के आराम से बैठ जाए, उधर कर लो आराम से, कुल लग लो जाए और उधर कर लो, डरो मत, बस ये भी थोड़ा आराम से हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में किस राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और किस राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर, किस राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 34:11 है। दोनों का 34:11 है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। शायद आपने ध्यान से बात नहीं सुनी, इसने बोला है 3 साल का CI माइनस 3 साल का SI का अनुपात 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI का अनुपात बराबर दे रखा है दोनों का 34:11 रेट पूछी गई। ये क्वेश्चन है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज का अंतर अनुपात, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर 34:11 है। किस किस को आता है? कोई बात नहीं, टाइम लगाई कर दो। अभी देखो इधर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, या आपने सीखा भी है। मान लो यहाँ प्रिंसिपल होता था, यही होता था, इधर ध्यान दो। आप क्या करते थे, 1/r करते थे। यहाँ पे एक वैल्यू आती थी, एक जो भी वैल्यू आती थी 3 साल के लिए ऐसे 3 डंडे बनाते थे, फिर इसका 1/r करते थे, यहाँ पे जो वैल्यू आती थी वो यहाँ जाती थी, और फिर इसका भी 1/r करते थे वो यहाँ जाती थी। बात समझ रहे हो? अब इसका 1/r करते थे, एक वैल्यू यहाँ और आती थी, यही था। अच्छा ये है, मैंने कहा ये पूरा था 3 साल का SI और CI का अंतर, तो 3 साल का CI माइनस SI कितना है, ये 1, 2, 3 B+C। अच्छा 2 साल का CI माइनस SI, ये जो होता था खाली ये 2 साल का अंतर होता था, कितना? अब आपको सारी बातें बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इस रेशियो को याद रखें। 3B+C / B की वैल्यू कितना दे रखा है,
ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। 34/11 बी की वैल्यू कितनी 11, तो बी 11 11 गुना 3 33, सी कितना बचा 33 और 1 34, यानी 1 रुपये ब्याज आया है कितने पर 11 पे। तो 1/11 का मतलब कितनी परसेंटेज होती है, नौ से 1/11%, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर। फिर से समझ लो, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सिर्फ इस बात को याद रखेंगे जब भी 3 साल का SICI का अंतर होगा, 2 साल का SICI का अंतर होगा, तो ये वैल्यू होगी। और इसका रेशियो कितना दे रखा है, बी की वैल्यू 11 है तो बेटा 11 गुना 3 34, सी कितना बचा, यानी ये 1 रुपये ब्याज इस पर आता है, किस पर आया, तो 1/11 का कितना परसेंटेज है, ये रेट परसेंटेज है, ये इस सवाल का उत्तर है। इतना सा क्वेश्चन, बस बात समझ में आ गई, बिल्कुल शांति से देखो सोच के, बेसिक बात है। आगे बढ़ जाएं, मिटा दूं, हटा दो भाई, क्वेश्चन नंबर 140 लिखिए भाई। एक सौ चालीस है द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन, आप डाटा डाटा लिख लेना, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स टू द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इस 31:9, फाइंड द रेट परसेंटेज पर एनम। हिंदी में वही क्वेश्चन है, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर तथा 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 31:9 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। दर प्रतिशत पूछे और वो खींच के भी नालायक, फ्रैक्शन में होती है हमेशा दर। नहीं, 4/9 का वो नहीं बताना, परसेंटेज बताओ। हाँ, 44 से 4/9 मतलब वही 4/9, लेकिन पूरा बताओ। देखो, मैंने बताया 3b + c/2 क्या होता है, इसका रेशियो कितना दे रहेगा, 31:9, बी की वैल्यू तो 9 गुना 3 टोटल 31 है, तो बचा कितना, तो सी 4 किस पर, तो 4/9 कितना, 400/9 का मतलब होता है 44, सही 4/9% इस सवाल का उत्तर। क्या अब आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद सिंपल पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखिए, थोड़ा सा चेंज है। द रेशियो ऑफ 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ 3 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, द रेशियो ऑफ 3 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर वन ईयर इज 3.64 रेशियो 1, 3.64 रेशियो 1 ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ कैपिटल आर, दे रखा आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर परसेंटेज। हिंदी में, किसी राशि पर 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात
3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64:1 है, 3.64:1 तथा ब्याज की दर 8% है। ब्याज की दर कितनी है? 8%। तो आर की वैल्यू ज्ञात करें। ऑप्शन दे रखे थे 40%, 20%, 15%, 10%। बताओ देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी आपको, शायद याद हो, मैंने बताई थी अगर प्रिंसिपल पी है, आर परसेंट आप निकालते हो 1/r करके, तो यहाँ ए ए ए, फिर इसका आर निकालते हो तो यहाँ भी और यहाँ, तो आप देखोगे सी आई 3 साल का कितना हो गया, 3 साल का सी आई हो गया 3A+3B+C हो गया, और 1 साल का SI कितना हो गया, इन दोनों का अनुपात दे रखा है 3.64:1, यही था पॉइंट हटा के, तो A की वैल्यू तो 100 हो गई, तो A की वैल्यू 100 है तो 3 की वैल्यू, सो यानी A अगर 100-100 है तो 100-100 है, तो इन तीनों का इनका 3B और C की वैल्यू कितनी बच गई, 64। अब ऑप्शन चेक कर लो, 40 उठाते, 100 का 40 कितना होता है, 40, तो 40 फंस जाओगे। अब 100 का 20 होता है कितना, 20, लेकिन हम 1/r लेते हैं, 20 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 100 का 1/5 लेंगे, 100 का 1/5 या डायरेक्ट 20-20 ले लो, और 20 का 20% कितना होता है, क्या 64 बन रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 20% इस सवाल का उत्तर। बात समझ में आ गई, और कोई तरीका नहीं है, फिर से समझ लो, ए की वैल्यू 100-100 पता चल गई, 20% लेंगे तो 100 का 20%, यहाँ भी 20 का 20%, चार, क्या 64 बन रहा है बच्चा, हुआ बन रहा है ना, तो वही आंसर होगा। जो कई बार ऐसे अटपटा क्वेश्चन भी पूछ ही लेता है एग्जाम, तो यहाँ से आपका CI को हमने उड़ा दिया है। अब आते हैं SI पे, सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट की, मिटा दें,
चले 141 क्वेश्चन के बाद मार्केट की आर एस अग्रवाल बनाओ, किरण बनाओ, राकेश यादव, कोई भी किताब जो आपको अच्छी से अच्छी मार्केट में बुक लगती है वो बनाओ। चलिए अब हम शुरू करते हैं।